अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो ये मेरे ब्लॉग का पार्ट वन है। आई नो ये बहुत लेट आया था, सॉरी फॉर द लेट अपलोड। आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और आप देखिए हम कैसे कहते हैं, हमने कार कैसे बुक की। आप एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग। सो ये बहुत चुके हैं सिलीगुड़ी का बस स्टैंड, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे लोकल बस भी मिल जाएंगे आपको, स्टेट बस भी मिल जाएंगे आपको जहाँ जाना है, और आपको मेरे के लिए भी यहाँ से बस मिल जाएगी। लेकिन उन सब बसों की टाइमिंग्स होती है, सो आप उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे पता कर सकते हैं। जैसे ये पूरा स्टैंड है, ये सारी लोकल बस है। बिहार बस भी जाते हैं, यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं। यहाँ टाइमिंग्स भी लिखी हुई है। ये इस साइड में आपको मेरिक की बस मिल जाएगी। सब टाइमिंग्स आपको वहाँ पे जाके पता करना होगा, वो चेंज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। और ये हम चल पड़े हैं, हमारी कार जो है वो बुक हो गई है मेरिक के लिए। तो अब हम अपनी कार का वेट कर रहे हैं। ये हमने वैगनआर बुक की थी, और वो कितने में की थी वो आप मेरे ब्लॉग के एंड में देखिएगा, मैं आपको सब डिटेल्स बताऊँगी। से कवर है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और इसके बीच में टी स्टेट्स भी है। जैसे आप देख सकते हैं टी स्टेट भी, और टी स्टेट के बिल्कुल साइड बाय साइड ये फॉरेस्ट एरिया है पूरा। तो ये जो ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं, इस ब्रिज का जो नीचे पिकनिक स्पॉट है उसका नाम है दूधिया। ये यहाँ का वन ऑफ द टॉप मोस्ट पिकनिक स्पॉट है। मैं इसका नीचे का व्यू आपको दिखाऊंगी, आप वीडियो एंड तक देखिएगा, या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका पूरा नीचे का जो व्यू है वो पूरा दिखाऊंगी आपको। अच्छे थे, और हमने यहाँ पे ब्रेक किया था, और वो जो लिखा हुआ है आई लव मेरिक वो यहाँ पे ही है, और एक है आप वो आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो और कहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव मेरिक, यहाँ पे सब कुछ एक स्पॉट है यहाँ पे फोटोज क्लिक करने के लिए। और अब हम जा रहे हैं मैगी, एग ऑमलेट और मोमोज खाने के लिए। ये शॉप वहीं पे है, आप अगर यहाँ पे रुके तो इनके शॉप पे जाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी मोमोज, मैगी और एग
ऑमलेट जो है वो बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मोमोज ट्राई किए थे, ये थोड़ा सा ईजी हो गया था, और ये मैगी और एग ऑमलेट ये बहुत ही टेस्टी था। आप इनकी शॉप पे ज़रूर आइएगा जब आइएगा तो। सो ये हम पहुँच चुके हैं अपनी पहली लोकेशन मेरिक लेक, और यहाँ से हमारी एंट्री है मेरिक लेक की। ये फर्स्ट व्यू पॉइंट है मेरिक का। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So ये दूसरी जगह है जहाँ पे I love Merrick लिखा हुआ है, ये Merrick Lake में है, और ये उस साइड है जिस साइड ये ब्रिज से हमें क्रॉस होके यहाँ पे जाना पड़ता है। आप यहाँ पे बोट राइडिंग कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे बोट राइडिंग कर सकते हैं आप, फिर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। उस साइड भी जाएगा और इस साइड भी, आप मेरे आगे वीडियोस में देखे हैं हमने हॉर्स राइडिंग की थी। यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, आप यहाँ पे आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो यहाँ अबू दर और उसके पापा ने हॉर्स राइडिंग की थी, हम बस ये एरिया को ही कवर किया था। यहाँ पे 3 राउंड वो लोग करेंगे, और अब उस पर जाना है तो वो अलग अलग कॉस्ट होती है उसकी हॉर्स राइडिंग की। आप जब आएंगे तो पूछ लेंगे, तो वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे होता है वो कॉस्ट। सो इस एरिया में हमने पूरा 3 राउंड्स लिए थे। सो ये ब्रिज के ऊपर का व्यू है, आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था यहाँ से मेरिक। आप ये व्यू को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ब्यूटीफुल है ये प्लेस। सो ये जस्ट मेरिक के गेट के पास ऑपोजिट में ये अच्छी सी दुकान थी, पंच हो गई, और जितने भी वुलन्स कपड़े थे रीजनेबल रेट्स की थी। आप अगर आइएगा यहाँ पर तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आप यहाँ से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर तरह के वुलन्स, कैट, हैप सब ले सकते हैं। सो ये अब निकल पड़े हैं अपने दूसरे लोकेशन के लिए। आप आगे देखेंगे वो दूसरा लोकेशन क्या है। सो हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं अपने नेक्स्ट, वो उसका ये रास्ता है, और इस रास्ते में सिर्फ टी स्टेट गार्डन्स ही मिलेंगे आपको। सो आप समझ सकते हो कि हम जो नेक्स्ट लोकेशन है वो किस पे जा रहे हैं। आगे आप देखिए हम कहाँ गए। अपोजिट में जस्ट रेस्टोरेंट था, ये रेस्टोरेंट भी बहुत डिसेंट सा था, और इसका फूड और इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। अगर आप इस रूट पे आए तो ये रेस्टोरेंट में ज़रूर रहिएगा। सो अब हम आ गए हैं अंदर गोल पार्क के व्यू पॉइंट में, और ये रास्ता है, यहाँ से आपको ऊपर चढ़ के बिल्कुल ऊपर जाना है पीक पे, जहाँ से आप पूरा लोकेशन को इन्जॉय कर सकते हैं। और भी रास्ते में यहीं पर जाना है आपको, इससे जाना है। सो ये पहुँच चुके हैं ऊपर, और आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे बहुत ब्यूटीफुल है, बस चारों तरफ टी गार्डन्स। यहाँ के व्यू को एंजॉय आप कीजिए, हर तरफ टी गार्डन्स आपको मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉट्स, चारों तरफ टी गार्डन्स, तो इसलिए ये व्यू पॉइंट है, टी गार्डन्स का ही व्यू पॉइंट है ये। सो ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस।